जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख के सहने भी है। ला 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 ला। जिंदगी पहले मैं महाराष्ट्र में रहती थी जी जी जी, 4 साल के बाद में मैं जैसा जापान नजर आई हूँ, यानी यहाँ पे मेरी लड़की रहती है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सालों से मौके के तलाश में लता जी के गानों को सुनती हुई ज्योति देशमुख कभी खेतों में काम करके तो कभी बिना किसी काम के समय काट रही थी। साथ थी तो बस दुआएं और उम्मीद। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। उस पानी की भी कुछ पड़ता, परिश्रम तो बहुत करना पड़ता कि नहीं जिंदगी में। बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या खोया? जो मेरे पति का सपना था वो तो चले गए। मेरे माँ का बहुत बड़ा सपना था कि बेटा मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और फिर नेपा नगर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में जसलीन कीर जी, जो सोशल वर्क करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, उन्होंने उनकी गायकी सुनी और उनके वीडियो को मुझे यानी आरजे पिंकी लिख सिटी वॉइस की आरजे को उन्होंने फॉरवर्ड किया और मैंने जसलीन को कहा कि जसलीन क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ। और बस हमारे लिए तो वहीं से नेपा नगर की रानू मॉन्डल यानी ज्योति देशमुख जी की जर्नी की शुरुआत होती है। मैं सही पढ़ी लिखी नहीं हूँ। घर का झाड़ू पोछा, घर का बर्तन, बच्चों को देखभाल करना, खेत में जाना, काम वगैरह करना, और उसमें दिन भर गुनगुन गुनगुन करती थी। लता दीदी जो है उनको मैंने तन्मन धन से उनको मैंने मेरी माँ मानी। मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरा लड़का है 200 रुपए रोजी से काम करता है खेत में। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पढ़ाया नहीं। ये कहते हैं किस्मत और समय का साथ। और जसलीन कीर जी जो वहाँ सोशल वर्क करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं नेपा नगर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, वो क्या कहना चाहती है? हमारे नेपा नगर में एक बहुत ही सुरीली सी आवाज की खोज हुई है ज्योति बाई देशमुख, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं और बचपन से उनका एकमात्र सपना रहा है गायक बनना। मेरे भाई मनोज गावंदे ने उनकी प्रतिभा की खोज करी और भाई कल्पेश पाटिल जी ने हर प्लेटफॉर्म पे उनके वीडियोस को शेयर किया। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनका सपना पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सुख दुख के सहने भी है, जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। मेरा सपना यही है, मरने के पहले मैं सिर्फ मेरे माँ के पास एक दिन के लिए मैं जाना चाहती हूँ और उनके मैं चरण छूना चाहती हूँ बस। माँ से आपका मतलब है लता मंगेशकर जी? हाँ मैडम जी, बस मेरा आखिरी का सपना यही है। कभी कल भी मुझे मौत आए तो मुझे गम नहीं रहेगा।